नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न संख्या एक से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या एक आपके सामने है। एक थ्री फेज अल्टरनेटर के दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए इसके तीनों आउटपुट वोल्टेज का फेज क्रम है RYB। यदि अल्टरनेटर को वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो फेज क्रम क्या होगा? देखिए, दक्षिणावर्त घूर्णन में आपको फेज क्रम दिया हुआ है और वामावर्त दिशा के अंदर अगर घुमाया जाए तो फेज क्रम आपसे पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है RYV, दूसरा है RVY, तीसरा है VYR और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए आपको जवाब बताया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि RVY। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगर वामावर्त दिशा में अल्टरनेटर को घुमाया जाए तो इसका जो फेज क्रम होगा वो होगा RVY। प्रश्न संख्या दो। एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप के कारण क्या होगा? इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाए तो क्या कारण हो सकता है। पहला, केवल आर्मेचर प्रतिरोध। दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध तथा लीकेज रिएक्टेंस। तीसरा है आर्मेचर प्रतिरोध, लीकेज रिएक्टेंस और तीसरा है आर्मेचर प्रतिक्रिया। ऑप्शन चार है आर्मेचर प्रतिरोध, लीकेज रिएक्टेंस, आर्मेचर प्रतिक्रिया के साथ साथ अर्थ संयोजन। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी कि अल्टरनेट में वोल्टेज ड्रॉप के कारण आर्मेचर प्रतिरोध, लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर प्रतिक्रिया तीनों ही इसके राइट आंसर होंगे। तो आर्मेचर प्रतिरोध, लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर प्रतिक्रिया। चलिए, प्रश्न संख्या तीन पर चलते हैं। एक अल्टरनेटर में शक्ति गुणांक किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो अल्टरनेटर के शक्ति गुणांक की बात करें तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा यह हमें बताना है। क्या भार पर डिपेंड करेगा, रोटर की गति पर डिपेंड करेगा, कोर क्षति पर डिपेंड करेगा या आर्मेचर की क्षति पर डिपेंड करेगा? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। तो अल्टरनेटर में शक्ति गुणांक किस चीज़ पर निर्भर करता है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भार। तो जो अल्टरनेटर है इसका शक्ति गुणांक है वो डिपेंड करता है भार पर, वेट पर। प्रश्न संख्या चार। आठ ध्रुवों वाला एक अल्टरनेटर जो 250 RPM का घूर्णन कर रहा है उसके द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति कितनी होगी? तो देखिए, इसकी स्पीड दे रखी है कि 250 RPM का घूर्णन कर रहा है, ध्रुव दे रखे हैं, आठ ध्रुव वाला अल्टरनेटर है, तो उसके द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति आपको बतानी है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 60 Hz, 50 Hz, 25 Hz या 16 2/3 Hz। चारों में से आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 16 2/3 Hz। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन करने का तरीका ये भी है कि जो अल्टरनेटर की गति है n बराबर वो होगी 120 f/p। अब आप यहाँ वैल्यू रखिए, p का मतलब है पोल यानी ध्रुवों की संख्या जो 8 मान रखा जाएगा, n का मतलब है यहाँ RPM जो दिया हुआ है 250 RPM घूर्णन के लिए और f आपको यहाँ से फाइंड करनी है तो आप f की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या पाँच। एक वाइंडिंग में स्लॉटों की संख्या ध्रुवों की संख्या से अधिक है तो उस वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग के नाम से जाना जाएगा? स्लॉटों की संख्या ध्रुवों की संख्या से ज़्यादा है तो इस वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाएगा? क्या सकेंद्रिक वाइंडिंग कहेंगे, वितरित वाइंडिंग कहेंगे, पूर्ण विच वाइंडिंग कहेंगे या एकीकृत स्लॉट वाइंडिंग कहा जाएगा? तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि वितरित वाइंडिंग। जब स्लॉटों की संख्या ध्रुवों की संख्या से ज़्यादा होती है तो उसे कहा जाता है वितरित वाइंडिंग। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या छः।
तुल्यकालिक मोटर है पर प्रचालन कर सकता है। किस चीज़ पर प्रचालन कर सकता है? केवल पक्षगामी शक्ति गुणांक पर, केवल अग्रगामी शक्ति गुणांक पर, केवल इकाई शक्ति गुणांक पर, या तीनों पर ही, पक्षगामी, अग्रगामी या इकाई शक्ति गुणांक, तीनों पर ही। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है, पक्षगामी, अग्रगामी या इकाई शक्ति गुणांक या तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, तुल्यकालिक मोटर पर प्रचालन कर सकता है, तो किस पर प्रचालन कर सकता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही होंगे इसका जवाब, पक्षगामी, अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणांक, ये है इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, एक तुल्यकालिक मोटर है में डैम्पर वाइंडिंग को सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो जो डैम्पर वाइंडिंग होती है तुल्यकालिक मोटर में सामान्यतः कैसे उपयोग में आती है, किस लिए उपयोग में आती है? तो इसके ऑप्शन है, पहला है केवल स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, ध्वनि स्तर को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए, या हंटिंग को और स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए। तो हंटिंग रोकने या स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए ऑप्शन 4 है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर बताना है आपको, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों उपयोग में ली जाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हंटिंग को रोकने और स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर, एक तुल्यकालिक मोटर में स्टार्टर में सेटअप विरोधी विद्युत वाहक बल किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो तुल्यकालिक मोटर है, इसमें स्टार्टर में सेटअप विरोधी विद्युत वाहक बल किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा? केवल रोटर की गति पर, केवल रोटर के उत्तेजन पर, तीसरा है रोटर के उत्तेजन और रोटर गति दोनों पर, और चौथा है कपलिंग कोण, रोटर गति और उत्तेजन पर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तुल्यकालिक मोटर में स्टार्टर में सेटअप विरोधी वाहक विद्युत वाहक बल किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल रोटर उत्तेजन पर ही निर्भर करेगा। प्रश्न संख्या 9, एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, तुल्यकालिक मोटर जिसमें डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, तो चारों में से क्या राइट आंसर होगा? रोटर गति को स्थिर करने के लिए, प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, आवश्यक प्रारंभिक टॉर्क विकसित करने के लिए, या ए और बी दोनों होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, 4 ऑप्शन आपके सामने है, डैम्पर वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है तुल्यकालिक मोटर में, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों, मतलब तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि रोटर गति को स्थिर कर सके और प्रदूषण से मुक्त कर सके, ये दोनों ही इसके जवाब होंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब आज का अंतिम प्रश्न, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का लाभ क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का लाभ क्या है? तो ऑप्शन ए है कम प्रचालन लागत के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए, ईंधन ट्रांसपोर्टेशन की समस्या से मुक्त करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का क्या प्रॉफिट है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। कहने का मतलब कम प्रचालन लागत भी होती है, प्रदूषण मुक्त भी रहता है, और ईंधन ट्रांसपोर्टेशन की समस्या से भी मुक्त रहता है। इस प्रकार तीनों ही इसके राइट आंसर होंगे, ये तीनों के तीनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के प्रॉफिट है, लाभ है। तो ये थे हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट टेक्नीशियन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार से क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।